महिला थाने पर पंजीकृत मुकदमा 122 बटे 22। माफियाओं के खिलाफ चल रहे योगी सरकार के अभियान में आज सहारनपुर जिला प्रशासन ने 50,000 के नामी खनन माफिया पर एक बार फिर से बड़ी कार्रवाई की है। जिला प्रशासन ने खनन माफिया हाजी इकबाल की 2 अरब की चल अचल संपत्ति को कुर्क कर दिया है। ये कार्रवाई पूरे उत्तर प्रदेश में अब तक की गई सबसे बड़ी कार्रवाई में से एक है। इससे पहले मई में इकबाल की 1 अरब की संपत्ति कुर्क हुई थी। खनन माफिया हाजी इकबाल उर्फ बाला कई मामलों में वांछित था। उसके और उसके बहनोई के विरुद्ध 50,000 का इनाम घोषित किया गया है। इकबाल बाला के विरुद्ध 1 महीने पहले 182 के अंतर्गत नोटिस भी चस्पा किया गया था, जिसके 1 महीने पूरे होने पर उसकी संपत्ति कुर्क की जा रही है। ये संपत्ति अलग अलग स्थानों पर है, जिसकी आज की तिथि में बाजार में कीमत लगभग 203 करोड़ रुपए है। ये जनपद सहारनपुर के खनन माफिया हाजी इकबाल व उसके परिवारजन व साथियों के विरुद्ध कल पुलिस ने एक रिपोर्ट तैयार करके भेजी थी, जिसमें कि करीब 150 ऐसी संपत्तियां थी जो उनके नाम से या बेनामी थी और अवैध तरीके से खनन करके अवैध धन से उनको खरीदा गया था। इसको तैयार करके प्रस्ताव हमने माननीय जिलाधिकारी महोदय के यहाँ भेजा, जिसको कि आदेश हुआ है, जिसमें जब्तीकरण का गैंगस्टर एक्ट के तहत ये जब्तीकरण किया जाएगा। जो 150 संपत्तियां जब्तीकरण की जा रही हैं उनकी बाज़ार मूल्य 203 करोड़ है और ये सारी संपत्तियां अलग अलग जगहों पर स्थित है जनपद में, जिनका कि चिन्हीकरण किया गया है और इसकी जब्तीकरण की कार्यवाही शुरू हो गई है। इसमें आगे और भी जो इनके साथी हैं व अन्य जो संपत्तियां हैं उनकी भी जाँच की जा रही है और आने वाले समय में इस प्रकार अवैध संपत्ति से अर्जित अवैध धन से अर्जित जितनी भी संपत्तियां हैं उनका जब्तीकरण की कार्रवाई की जाएगी। पूर्व MLC हाजी इकबाल और उसके परिजनों के खिलाफ प्रदेश सरकार का लगातार शिकंजा कसता जा रहा है। हाजी इकबाल के 3 बेटों और भाई पूर्व MLC महमूद अली की गिरफ्तारी के बाद 14 गैंगस्टर एक्ट के तहत भी इन सब पर कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में आज हाजी इकबाल और उसके बहनोई के ऊपर 50,000 का इनाम भी घोषित कर दिया गया है। बुधवार को जिला प्रशासन की टीम मिर्जापुर पहुंची और ढोल बजाकर आसपास के ग्रामीणों को बुलाकर बताया कि 50,000 का इनामी हाजी इकबाल की संपत्ति को जिला प्रशासन ने कुर्क कर दिया। अब इस संपत्ति पर हाजी इकबाल उसके परिजनों का कोई अधिकार नहीं है। यदि इस संपत्ति को खरीदने या बेचने के लिए किसी को कहा जाता है तो वो गलत है, उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। इनके ऊपर 50,000 रुपये का इनाम है और पुलिस इनकी तलाश कर रही है, कई टीमें लगी हैं। हमें उम्मीद है शीघ्र ही इसमें कामयाबी मिलेगी और तब तक के लिए पुलिस ने इनके जितने भी अवैध धन से अर्जित संपत्तियां हैं उनको चिन्हित किया है, जिसका कि गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत इनका जब्तीकरण करवाया जा रहा है और आगे और संपत्तियां जो भी सामने आ रही है पुलिस जाँच में उसमें भी रिपोर्ट तैयार करके उसके खिलाफ विधिक कार्रवाई की जाएगी। पूर्व MLC हाजी इकबाल का एक दौर था जब वो सरकारी पट्टों की आड़ में अवैध खनन के दम पर एक जमाने में यूपी सरकार में गहरा दखल रखता था। मुश्किलें लगातार बढ़ती रहीं और फिर BJP सरकार के आने के बाद से उसके सितारे गर्दिश में आने लगे। एक के बाद एक कई मुकदमे उसके और उसके परिवार पर दर्ज होने लगे।